Assalamu alaikum viewers, welcome back to Kya Scene Hai, a podcast by Ibex Media Entertainment. Ek aur podcast ke saath main Amir Ali aapke samne hazir hoon. And thank you very much for your feedback on the previous podcast, jo hamara first podcast tha jisko Zulkarnain aur Sikandar ne host kiya tha regarding Interstellar. So hum koshish karte rahenge ke isi tarah aapke liye interesting topics pe debates and discussions lete hue aaye. So aaj mere saath ek bahut hi interesting guest yahan pe maujood hain, Asif, जो कि एक बुक राइटर एंड अ वेरी गुड फिलोसफिकल इंडिविजुअल हैं. एंड इनका यहाँ पे आज एक एनालिसिस लेके आए हैं अबाउट टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी. सो आसिफ, क्या सीन है? थैंक यू सो मच आमिर इनवाइट करने के लिए मुझे. सीन्स ऑन है. कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. तो मेरे ख्याल से यू आर सेइंग समथिंग अबाउट टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी. हाँ आमिर, मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, हम मैस्कुलिनिटी की बात कर रहे थे कि मर्दानगी क्या है. तो इसको थोड़ा समझते हैं हम आज. बेसिकली हम ना मर्दानगी जब भी बात करते हैं ना, तो पीपल इस लफ्ज़ के साथ ना एक होता है कि एक चीज़ को रिलेट करते हैं, वो ये है कि आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ है आपकी, उसको रिलेट करते हैं. अच्छा, आपकी एंगरनेस को कभी कभी रिलेट किया जाता है. और जब हम इसके अगर हम कोर मीनिंग की तरफ जाते हैं, एसेंस की तरफ जाते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि मैस्कुलिनिटी एक्चुअली इवॉल्व हुई है होमो सैपियंस से. क्योंकि वहाँ पे जब शुरू में जब होमो सैपियंस जो दौर था हमारे पास, उस दौर में इस तरह का जो एग्रेसिवनेस है वो शो किया जाता था कि अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए. और थ्रू आउट दीज एजेस, ठीक है, इसको इवॉल्व हो गया ये. तो आज आप किस तरह देखते हैं ये इवॉल्व होके इस स्टेज पे हम पहुँचे हैं? 21st सेंचुरी में आप मैस्कुलिनिटी को किस तरह व्यू करते हैं? 21st सेंचुरी में इट्स मोर रैशनल. ये बहुत रैशनल हो गया और इंटेलेक्चुअल हो गया. आप बारबेरियज़म की तरफ नहीं जा सकते. आप किसी को यानी डंडे के नोक पे बिठा के कोई काम नहीं करा सकते. यूनिट रैशनल आर्गूमेंट्स, यूनिट रैशनल लॉजिक आपको चाहिए होती है. तो 21st सेंचुरी है जो ये कॉन्टेम्प्रेरी जो वर्ल्ड है, इट्स मोर अबाउट साइंटिफिक. तो इसीलिए जो ओल्ड सो कॉल्ड ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं, ठीक है, जो बंदे में होते हैं, ठीक है, तो वो जिसके अंदर ये पर्सनालिटी होती, जो ओल्ड ट्रेडिशनल नॉर्म्स की पर्सनालिटी होती है, तो वो पर्सनालिटी एक्चुअली आपकी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी होती है. क्योंकि जो वो सेट ऑफ नॉर्म जो सीखा होता है ना, वो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में वो अप्लाई नहीं कर सकता. तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है. तो उसको वो उस फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने की कोशिश करता है. वो घर में कोशिश करता है, अपनी सोसाइटी में कोशिश करता है. अगर घर में कोशिश करता है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस बन जाता है जी. तो ये सो डू यू थिंक दिस इज ऑल ड्रिवन बाय द टर्म कॉल्ड पैट्रियार्की? यस, बिकॉज पैट्रियार्की हार्म्स एवरीवन, ठीक है. पैट्रियार्की को अक्सर जब हम पैट्रियार्की को डिस्कस कर रहे होते हैं तो या तो लोग इसको मतलब बहुत ज़्यादा डायरेक्टली लिंक करते हैं फेमिनिज्म के साथ, या फिर वो कहते हैं एंड फेमिनिज्म को भी मतलब इस दौर में जिस तरह इस्लाम जो मुस्लिम्स को जनरली एज अ टेररिस्ट टैग दिया गया ना, इसी तरह कोई भी वुमेंस के बारे में बात करता है तो उसको रॉन्गफुली मतलब फेमिनिस्ट कहा जाता है. फेमिनिस्ट को एसेंशियली एज अ स्लर यूज़ किया जाता है. ऑल्दो फेमिनिज्म इज़ नॉट इन द टॉपिक राइट नाउ, पैट्रियार्की जो है मेरे मुताबिक, आई डोंट नो व्हाट योर व्यूज आर ऑन दिस, इट हार्म्स एवरीबॉडी, ठीक है. आई मीन मुझे तो ऐसा लगता है कि वुमेन से ज़्यादा इम्पैक्ट पैट्रियार्की से मैन होते हैं, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टेड टू बी मैस्कुलिन, ठीक है. यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर सेल्व ओपनली, आप रो नहीं सकते हैं, बिकॉज यू हैव टू बी मैन इनफ, ठीक है. एंड यू कैन नॉट, एंड अगर पाकिस्तान जैसे किसी जगह की बात की जाए तो यहाँ पे तो ऑनर भी उसी चीज से ड्राइव होती है. यस ऑब्वियसली. और इसमें ना एक स्टोरी मुझे याद आती है कि हमारा क्लास फेलो था, ठीक है, उसको ना हमारी क्लास में बुली बहुत करते थे बच्चे. तो वो ये हुआ कि यार इन द एंड लाइक ही कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ ऑल यार, देखो बुली करने की वजह से. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना हम एक्सट्रीम पे चले गए हैं. उसके अंदर थोड़ी फेमिनिज्म की ना थोड़ी स्ट्रेट्स थी, होती हैं बंदे के अंदर, हर बंदे के अंदर होती हैं. तो उसकी वजह से क्लास में बच्चे बुली करते थे. फेमिनिज्म इज बेसिकली नॉट लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज अ प्रैक्टिस, राइट? इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्टिंग वुमेन, गिविंग देम देयर बेसिक राइट्स, ठीक है. एंड पाकिस्तान जैसे जगह में बात करें तो यहाँ पे तो वुमेन जब औरत मार्च जैसे इवेंट्स होते हैं तो लोग उनको गालियाँ दे रहे होते हैं कि ये फहाश हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं.
एसेंशियली ऐसे इवेंट्स इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं बिकॉज द वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन औरत मार्च आर इंडिपेंडेंट. वो ऑल्दो वो किसी लिबरल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, दे आर एसेंशियली रिप्रेजेंटिंग द कॉर्नर ऑफ द पोर्शन ऑफ वुमेन हु आर सो अनप्रिविलेज्ड कि उनको घर से बाहर निकलने तक की इजाजत नहीं होती है, लेट अलोन जॉइनिंग अ मार्च ऑफ सम सॉर्ट. सो दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग देम टू फाइट फॉर देयर राइट्स. हाँ, इसी फेमिनिज्म पे जेन ऑस्टन ने भी बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि जब 19th सेंचुरी में जब जितनी भी फीमेल जो फीमेल थे 19th सेंचुरी के, उनको इतनी आज़ादी नहीं थी, वो डिपेंडेंट हुए थे अपने फादर या हस्बैंड के साथ. तो जेन ऑस्टिन ने भी ना इसको बहुत अच्छे तरीके से यू नो इसको डिपिक्ट किया है कि यार व्हाई वुमेन शुड बी इंडिपेंडेंट. ठीक है, तो ये है हमारी सोसाइटी में आजकल तो बहुत यानी जेंडर इक्वलिटी का बड़ा मसला आ रहा है हमारी सोसाइटी में. हम स्पेशली जो फीमेल है उनको हम अपने बराबर नहीं समझते बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड ट्रेडिशनल. हाँ, मतलब कहने के हद तक हम कहते हैं कि इस्लाम को में इनका बहुत ऊंचा दर्जा है, बट देन वी आर ऑल लाइक तेजाब फेंकना, ऑनर किलिंग, डोमेस्टिक वायलेंस एंड एवरीथिंग. सो इसी चीज़ ने रेप अपोलॉजिज्म को भी बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लीमेंट किया हुआ है हमारी सोसाइटी में. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? हाँ, इस पे ना मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था डॉन न्यूज़ का, उसमें रहे थे कि 4 out of 1 woman आर यू नो हरास्ड बाय सम मैन. जस्ट इमेजिन करें हमारी कंट्री में 4 out of 1 ठीक है जितनी भी औरतें हैं वो हरास हुई हैं, उन लोगों ने सेक्शुअल हरासमेंट उन लोगों ने फेस की गई हुई हैं. तो जो सेक्सुअल हरासमेंट का जो हमारे इधर जो सोसाइटी में जो रुझान आया है उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. ठीक है, एक तो ये हो सकता है क्योंकि हमारी जो ट्रेडिशंस है जो कल्चर्स है हमने हमेशा सेक्स को हमने फॉरबिड किया हुआ है जी, हमने बुरा exactly. समझा है. ठीक है, एक वेरी नेचुरल प्रोसेस को हमने ना डिनाई कर रहे हैं. ऑल्दो इट्स अ वेरी होली थिंग इन इस्लाम, a very yes. holy aspect of Islam. Yes, और इसको हम deny करते हैं जी. तो maybe frustrate, obvious देखें reverse psychology क्या बोलती है. It's very simple, आपके जो smoking जो box है उसको पर लिखा होता है कि smoking is injurious to health, but still people smoke. Why? So इसी तरह आप अगर किसी चीज़ को forbid करते हैं तो people will go for it. इसकी मिसाल बच्चे की करके आप बच्चे को रोकते हैं किसी चीज़ से तो वो वहाँ जाएगा, वो करेगा. हाँ, जिस apologism की मैं बात कर रहा था ना, it's something like blaming the victims for everything. यहाँ पे सिर्फ अब देखें लाहौर में किस्सा हुआ था मेरे ख्याल से दो ज़ैनब का भी जी. तो मतलब जितने भी किस्से हुए इसमें विक्टिम ब्लेमिंग किया गया है. इट इज़ लाइक आई एम नॉट श्योर इफ यू हर्ड द स्टैंड अप कॉमेडी ऑफ अभिषेक उपमन्यु. उसमें वो कहता है ना कि उसमें देखो भाई क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम क्यों सतर्क नहीं रहते हैं? अब तुम अपनी बॉडी लेके बाहर घूमोगे तो क्रिमिनल तो काट ही देगा ना, वो तो अपना काम कर रहा है. तो मतलब ये वाली बात हो रही है. एंड रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर आवर लीडर आल्सो रिफर टू इट एज लाइक इट इज द कॉज ऑफ फहाशी. यस, सो अपेरेंटली हमें अभी कुत्तों को भी बुरके पहनाने हैं. ठीक है, मुर्दों को भी दफनाने से पहले बुरके पहनाने हैं. सबको मतलब हमने कवर करना है कि कहीं फहाशी ना मुर्दों में भी. ठीक है, तो हमारे आई वाज रीडिंग अ रिपोर्ट कि मतलब पिछले 5 साल में हमारी जो मुल्क है वो पोर्नोग्राफिक साइट्स के टॉप 10 में रही है. अपना उसने वहाँ पे मकाम रखा है, वहाँ पे मकाम रखा है, हमने मकाम रखा हुआ है. बट समहाउ वी आर एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव. ठीक है, एंड हम बहुत ज्यादा मतलब रेप अपोलॉजिज्म को मतलब अपनी एक ग्रेटनेस समझते हैं. वी थिंक लाइक इस बारे में बात करना कि अब देखें जो रेप इंसिडेंट मोटरवे पे हुई थी कोई मेरे ख्याल से 3-4 महीने पहले, आई एम नॉट श्योर, उसमें भी विक्टिम ब्लेमिंग किया गया. यस ऑब्वियसली, ठीक है, रात को क्यों निकली थी गाड़ी, हाँ लेके अकेली क्यों थी, अकेली क्यों थी? तो मतलब रेपिस्ट्स को भगाया नहीं जाता बल्कि विक्टिम्स को कहा जाता है कि आप लोगों की गलती है, आप अपनी ड्रेसिंग सही रखो तो रेप नहीं होंगे. ठीक है, दैट गाय द रेपिस्ट इज डूइंग हिज जॉब. अगर गलत कपड़ों में बाहर निकलोगी तो रेप करेगा ना, वो बेचारा अपना काम कर रहा है. तो मतलब इट्स दैट काइंड ऑफ अ मेंटालिटी. हमने पूरी अपनी सोसाइटी की जो माइंडसेट बनाया पूरा एक रिवर्स है यहाँ पे यार, कुछ अजीब है. इस तरह है कि कोई जंगल में कोई शेर है, तो 10 लोग जाते हैं वो जंगल जाते हैं, तो वो कहेंगे कि शेर को वहाँ पे छोड़ो जंगल में, वो अपना काम करे, आप लोग नहीं जाओ जंगल घूमने, क्या करने वहाँ जाएगा फजूल. एंड एक फिर ये भी है क्या, फॉर एग्जांपल जब रेप जैसे किसी प्रॉब्लम का हम हाईलाइट करते हैं तो कहते हैं कि देखो सिर्फ मेन में ये नहीं होता, औरतों में भी होता है. ठीक है,
women can also rape men, ठीक है, which could be a real problem. I cannot deny it. Maybe something is happening. There are some cases. वरना पाकिस्तान में कौन ऐसा सिंगल बंदा है, ठीक है, जो कि रेप हो जाए, ठीक है. अब देखें, मैं इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ. अब ड्राइविंग जो है, ड्राइविंग में यह है कि अगर आप 18 साल से कम एज के हैं तो आप ड्राइव नहीं कर सकते, इट्स इलीगल फॉर यू. हाउएवर 18 साल के बाद आप टेस्ट दें, आपके पास लाइसेंस होगा, फिर आप ड्राइव कर सकते हैं. बट डज दैट लाइसेंस वैलिडेट कि आप एक्सीडेंट, आपसे एक्सीडेंट नहीं होगा, आप गाड़ी कहीं पर नहीं मारेंगे, वो उस चीज को वैलिडेट तो नहीं करता. द थिंग इज 18 साल के कम बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं एक्सीडेंट की तरफ. दे आर मोर प्रोन टू फ्रीक आउट, लूज कंट्रोल, ठीक है. तो 18 साल के बाद जो बच्चे होते हैं, मतलब 18 साल के बाद जो एडल्ट्स होते हैं, दे हैव मोर सेल्फ कंट्रोल. तो मतलब वो गाड़ी को सही से कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए उनके लिए लीगल है. हाउएवर 18 साल से नीचे के लिए गाड़ी ही मना है. सो मतलब लोगों को ये समझने की जरूरत है कि अगर हम एक सीरियस प्रॉब्लम, एक सोसाइटी जहाँ पे वुमेन को रेप किया जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है, तेजाब फेंके जा रहे हैं, यहाँ पे बॉयज का भी हरासमेंट बहुत होता है वैसे, तक बॉयज के भी रेप्स होते हैं, लाइक 57% बॉयज का रेप होता है. जस्ट इमेजिन करें हमारी सोसाइटी की, यानी कमबख्ती ऐसी है कि लाइक आपकी जो परसेंटेज है वो बॉयज की ज्यादा है रेप होने में, और ये हाईलाइट नहीं होता माशरे में. एग्जैक्टली, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ पैट्रियार्की. अगर किसी लड़के का रेप होगा तो कैसे जाएगा सोसाइटी, कैसे जाएगा. एंड रेप केसेस जितने भी होती है वो अंडर रिपोर्टेड होती है, वो कभी रिपोर्ट नहीं होती है, ठीक है. ऑनर का इशू आता है, ऑब्वियसली द सोसाइटी इज कंट्रोल्ड बाय ऑनर एंड एवरीथिंग. एंड आप बॉयज की बात करें, यहाँ पे जानवर सेफ नहीं है, जानवर फिर भी यार मुर्दे सेफ नहीं है. जब भी किसी इंडियन से इस बारे में आर्ग्यू करो कि यार इंडिया में तो रेप स्टेटिस्टिक्स ज्यादा है ना, वो यही कहेंगे कि देखो, डोंट यू रिमेम्बर व्हेन अ गाय इन पाकिस्तान रेप्ड कॉर्पसेस. यस. सो व्हाट डू यू थिंक कुड बी अ पोटेंशियल सॉल्यूशन टू द टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान में इस चीज का क्या हल हो सकता है? बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जो हमारे यूथ है, हमने उसको अवेयर करना है कि जेंडर इक्वालिटी, स्पेशली जेंडर इक्वालिटी के बारे में, इक्वालिटी के जो राइट्स हैं उसके बारे में हमने बच्चों को बचपन से ही हमने अवेयर करना है. फॉर एग्जांपल, आप बचपन में अगर बच्चा कोई रोता है तो हम कहते हैं ओए मर्द हो तुम, नहीं रो. एग्जैक्टली. ओके, इस तरह के बहुत सारे आर्गूमेंट बोलते हैं हम लोग, ठीक है. तो हमने शुरू से ही बच्चों को इस चीज़ के साथ हमने अवेयर करना है, इनको कॉन्शियस करना है कि जेंडर इक्वालिटी है माशरे में, और आपने किस तरह फीमेल अपोजिट जेंडर को आपने माशरे में देखना है, रिस्पेक्ट करना है, किस तरह देखना है. इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे सामने कोई ऐसी मिसोजिनिस्टिक मिसोजिनिस्टिक लैंग्वेज यूज करे, ठीक है, मिसोजिनी करे, तो उसको डिस्करेज करना चाहिए, ठीक है. इवन इफ यू रिस्पेक्ट देम, आपके बीच में कोई रिलेशनशिप होगा, बट आई गेस इट्स अ गुड ट्रेड ऑफ फॉर अ बेटर सोसाइटी, फॉर एवरीवन, फॉर एन इवन सोसाइटी. कि मतलब आपके सामने कोई माँ बहन की गाली दे, उसको डिस्करेज करो. अच्छा, इवन माँ बहन की गालियां भी मर्दों के नाम पर कोई गाली नहीं है. इधर देखे ना कितने जेंडर डिफरेंस है. आप गाली देते हो तो भी आप किसी फीमेल को. एक्चुअली वो फॉर अ रीजन नहीं है, उसका भी एक रीजन है. उसका रीजन ये है कि किसी लड़की को कोई दूसरी लड़की भाई का गाली दे वुडंट केयरलेस, क्यों का गैरत वाला मसला नहीं होता, लड़कों का बहुत होता है. तो मतलब किसी लड़के को किसी कॉन्फ्लिक्ट में बहन की गाली दो, वो इनसाइट हो जाएगा, ही विल बी हॉस्टाइल. ठीक है, उसको पता है ये गाली इसीलिए बनाया गया है ताकि सामने वाले को वर्बली हॉस्टाइल किया जाए. डोंट यू थिंक गाली देने का मकसद ये होता है कि सामने वाले बंदे को वर्बली हार्म करे. व्हेन यू आर नॉट फिजिकली फिट टू फाइट समवन ऑफ लाइक अ मैन, यू हार्म देम वर्बली बाई यूजिंग स्लर्स अगेंस्ट देयर सिस्टर्स एंड मदर्स. के मतलब मैं ये करूंगा, वो करूंगा, थिंग्स लाइक दैट. स्टिल इट्स नॉट लाइक अनफेयर. अगर आप किसी को वर्बली अब्यूज करते हैं ना, इट मींस दैट लाइक यू आर सेटिस्फाइंग योर ईगो, नथिंग एल्स. एग्जैक्टली, यू आर नॉट फिजिकल इनफ टू फाइट लाइक. नो, नॉट दैट, बट यू आर सेटिस्फाइंग योरसेल्फ, योर ईगो. सो थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर लिसनिंग टू अस. ऑल्दो दिस इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, बहुत बड़ा है, एंड हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इस चीज को पूरा कवर कर सकें. बट वी वुड डियरली अप्रिशिएट इट इफ यू कुड लेट अस नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट्स. एंड अगर आपने आईबेक्स मीडिया नेटवर्क को फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया तो फॉलो करें, ताकि क्या सीन है जैसे जितने भी हमारे सेगमेंट्स है वो आप तक टाइम से पहुँच सकें. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आसिफ, अल्लाह हाफिज़.